सब जने ना। ओके दोस्तों, क्या आप भी कुछ इस तरह का कास्टफुल फायर इफेक्ट वाला वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो खुद से? तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको दोस्तों सिर्फ एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है काइनमास्टर, और दोस्तों काइनमास्टर ऐप का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको काइनमास्टर ऐप आपको ओपन करके यहाँ पर दोस्तों आपको क्रिएट न्यू में जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 9:16 रेशियो में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मीडिया ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाके दोस्तों आपको एक वीडियो ऐड करना है। दोस्तों, कास्टफुल फायर इफेक्ट वाला वीडियो आपको ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस वीडियो को ऐड करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा आगे आना है, करीब दोस्तों एक सेकंड के आसपास। दोस्तों, इतना दूर आपको आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लेयर ऑप्शन में जाना है, और दोस्तों ऊपर जो आपको मीडिया ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, इस मीडिया ऑप्शन में जाके आपका एक PNG फोटो आपको ऐड करना है। दोस्तों, आपका PNG फोटो आपको ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस फोटो का लेंथ दोस्तों आपको थोड़ा जूम करके और दोस्तों आपको इस पोजीशन में बैठा लेना है। दोस्तों, अगर आप लोग को नहीं पता PNG फोटो कैसे क्रिएट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा दोस्तों, जो कि remove.vg। दोस्तों, इस वेबसाइट में जाने के बाद दोस्तों आपका फोटो का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, इस फोटो को लेने के बाद दोस्तों इसका लेंथ आपको वीडियो के एंड तक ले आना है। ले आने के बाद दोस्तों आपको दोस्तों नीचे एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, ब्लेंडिंग ऑप्शन, यहाँ पर जाकर दोस्तों आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। करने के बाद दोस्तों इसका जो ओपेसिटी है आपको लगभग आपको 90 के आसपास रख लेना है। रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक आपको इन एनिमेशन ऐड करना है, और एनिमेशन आपको सेकंड वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों मैं आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से वीडियो एडिटिंग हुआ है। तो दोस्तों देख रहे हो, बहुत ही अच्छा ओपी तरह से जो वीडियो एडिटिंग हो गया है बहुत ही जल्दी से। दोस्तों, अगर आपको इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ।